Hi guys, this is Tushar Sharma and this is my first vlog. It's 5th of November और आज होने वाला है मेरा ड्रीम प्ले दिग्दर्शन। आज ML भारती में हमारे चार प्ले हैं जिसके अंदर मैं दो प्लेज में परफॉर्म कर रहा हूँ। एक है ठंडा गोश्त, दूसरा दिग्दर्शक। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो और ये मेरा पहला व्लॉग भी है, तो समझ गया मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, आपको बताऊँ कि कैसे प्लेज होते हैं, ऑडिटोरियम में कैसे बैक स्टेज चीज़ें होती हैं, और अपनी सारी फीलिंग शेयर करूँगा। सी यू देयर। इट इज ऑल सेट, हम अब बस निकल रहे हैं हमारे नाटक के लिए। और मेरे साथ हैं यहाँ पर तालिब भाई, ये हमारे थिएटर के सुपरस्टार हैं, चार के चार नाटकों में आग लगाने वाले हैं आज। भाई साहिल डॉन, ये श्रीनगर का डॉन है। बौद्ध मास। हमने 2-3 महीने बहुत मेहनत करी है इन चार प्ले को बनाने के लिए। चल चूट। चार प्ले हो रहे हैं। पहला प्ले है ठंडा गोश्त, और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया जिसको डायरेक्ट किया है मानव सेठी ने। दूसरा प्ले है दिग्दर्शक, एज यू नो। तीसरा प्ले है पतलून, जिसको लीड कर रहे हैं फराज खालिद, और उसमें एक बहुत ही खतरनाक किरदार है मदारी का, जो ये कर रहे हैं भाई अनमास की जान। और फिर लास्ट प्ले है सखाराम बाइंडर, जिसको चांद खान मैम डायरेक्ट कर रही हैं, और इसमें लीड कर रहे हैं अतुल भाई, और इसमें हमारे एक और साथी हैं चिराग भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने नाटक के लिए, और हम तक हो रही है जैसे कभी होती नहीं, बट हाँ ये नाटक दिल के बहुत करीब है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो खाली कोई गलती ना हो। थोड़ा थोड़ा जेब खाली हो गई। बात कर रहे थे गाइस, अभी हम हैं लोक कल्याण मार्ग सट्टे रेस कोर्स सट्टेबाजों की नगरी। इस स्टेशन पे उड़ते हल्का हल्का लगने लग जाता है, हल्का बोले तो जेब से हल्का सब चले जाता है। और ये है बादशाह, आप अपना फोन भी बेच सकते हैं यहाँ पर। नमस्ते। तो हम आ चुके हैं बंगला साहिल। हमारे साथ चिराग भाई और साहिल, तालिब भाई वहीं छूट गए हैं। हमारे पहला प्ले है ठंडा गोश्त, जिसके अंदर हमें पग बंधवानी है चिराग भाई को भी और मेरे को भी। तो हम बंगला साहिब आए हैं, दर्शन कर लेंगे और पग भी बंधवा लेंगे। हमारे तुषार भाई रेडी होते हुए।
ऑल सेट, यहाँ पर तैयार है चिराग भाई भी, यहाँ पर तैयार है हम भी और हम बस जा रहे हैं। ML भारती ऑडिटोरियम, हेयर इज ब्रजेश सर, कैसे सर? फाइन, आप बताओ? बस तैयारियां फिर एग्जाम फटे। हाँ जी, हेलो मैम, कैसे हो? क्या हाल है? हेलो, हेलो सर, व्हाट्स अप बड़ी? जो फंस गया यार। ओ माय गॉड, फंस गया, ये तो फंस गया। क्या हाल है तुल भाई? आप कैसे? अरे संदीप भाई, क्या हाल चाल? इज अ डायरेक्टर श्री तमाम, ये टोपी ठीक लग रही है? हाँ सर, ये बेस्ट है, बट वो कह रहे हैं कि ये टोपी के हिसाब से मैं थोड़ा रिच लग रहा हूँ, तो मेरे को गरीब दिखना है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। Who is about to start? Hey खुशी, क्या हाल चाल? ऑडियंस बैठ गई। So फाइनली हमारा प्ले स्टार्ट होने वाला है, ऑडियंस की एंट्री हो चुकी है। मेरे को डांट पड़ेगी बट मैं चुपचाप दिखाता हूँ आपको फटाफट। एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर सब अंदर जा चुके हैं और एक कृष्णा अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये हमारा कुछ अर्जुन सर भागते हैं यहाँ पर। हेलो सरिता मैम, कैसे हो? अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? वन हयान किस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा के अश्वत्थामा मारा।
शाम को मंदार को ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद सीधा यहाँ चले आता हूँ। 8:30 बजे उसकी ट्यूशन खत्म होती है, तब तक मैं अपना सारा समय यहीं पर बिताता हूँ, यानी 6:30 से 8:30। नाच तो 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन जीता सिर्फ 2 घंटे हूँ। तुम्हें उस दिन किसने उकसाया था, कम से कम आज तो ये बता दो। फाइनली दिग्दर्शक हो चुका है, आई एम वेरी 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 हैप्पी। कैरेक्टर जी का बहुत अच्छा लगा, मतलब कि जब मैंने ये प्ले फर्स्ट टाइम देखा था तो जो राइटर ने कॉन्सेप्ट लिखा है उसको देखते ही मेरा दिल आ गया था, और तब से ही मैं करना चाहता था। बहुत बार प्रैक्टिस भी करी बट बहुत बार रुक जाता था, बट अब फाइनली हुआ एंड हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। ऑडियंस में से लोग भी रोने लग गए थे, वो आए थे मेरे पास। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी दूसरा नाटक चल रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये है ऊपर का ग्रीन रूम, नॉट अ ग्रीन रूम, लाइट रूम। Quarter team of unmasked. तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, चार प्लेस थे, चारों बहुत अच्छे गए, और स्टैंडिंग ओवेशन सभी प्लेस में मिली, सबने बहुत अच्छा करा। अच्छा रहा, थैंक्स टू एवरीवन जिसने अप्रिशिएट किया, थैंक्स टू एवरीवन जिसने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, थैंक्स टू एवरीवन जिसने प्लेस समझा, थैंक यू। फाइनली आई हैव रीच्ड, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए श्री राधे। गुड नाइट।